नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम रेजिस्टेंस के फेलियर के बारे में कि रेजिस्टेंस पे जब आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलती है तो किस तरीके की कंफर्मेशन के बाद आप रेजिस्टेंस पे एक रिवर्स ट्रेड बना सकते हैं जिसमें दोस्तों इंट्राडे में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों काफी छुपी हुई है मार्केट में, काफी लोग जो है काफी एनालिस्ट है इसको कम ही शेयर करते हैं, बट मैं आज की वीडियो में इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट भी आपको समझाऊंगा कि अभी इसका चार्ट क्या कह रहा है और आने वाले दिनों में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, पहले मैं लेके जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ही हमने एक मैसेज किया था एसबीआई में। अगर आप देखेंगे तो एसबीआई का उस टाइम जो रेट चल रहा था इसकी क्लोजिंग जो थी दोस्तों वो थी 465 रुपए के आसपास और लिख दिया था कि एसबीआई रेजिस्टेंस विद बेरिश कैंडल। एसबीआई ने रेजिस्टेंस बना है बेरिश कैंडल के साथ और बेरिश कैंडल के साथ जो रेजिस्टेंस देखने को मिला है तो इसका मतलब एक रिवर्सल है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले लेके जाऊंगा आपको बोर्ड पे और आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस पे जब आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलती है तो किस तरीके से रिवर्स स्ट्रेटजी बना के आप ट्रेड बना सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा एसबीआई के चार्ट पे जाऊंगा और चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, एसबीआई का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। तो हमने जब आपको रिकमेंड करा था तब इसका रेट चल रहा था एसबीआई का 465 और बाद में इसने लो बनाया दोस्तों अगर हम देखेंगे 450 रुपए का। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको बोर्ड पे लेके जाऊंगा, बोर्ड पे आपको समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, फिर मैं आपको चार्ट पे पूरी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख के और उसको इंप्लीमेंटेशन करके मार्केट से इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं। तो जल्दी से जाएंगे और बोर्ड पे आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये क्या है, ये अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद इसने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। मैं यहां लिख देता हूं ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ दोस्तों कि एग्जांपल के तौर पे 465 का हाई है और ये क्या है 450 का क्या है लो बना है। फिर से उसने क्या करा 465 का उसने क्या हुआ हाई ब्रेक कर दिया। अब जब हाई ब्रेक करा तो बेसिकली क्या होता है कि भी रेजिस्टेंस के ऊपर आप पोजीशन क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बट इसकी भी कंफर्मेशन होती है। इसमें भी आपको बुलिश कैंडल देखनी पड़ती है और नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो आपको अपनी पोजीशन बाय में बनानी होती है। ये सब कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। बट एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको कि रेजिस्टेंस जब बनता है और उसमें टाइम ज्यादा हो, फिर से कहना चाहूंगा रेजिस्टेंस जब बनता है और उसमें टाइम ज्यादा हो और साथ साथ दोस्तों एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है यहाँ पे। अब बेरिश कैंडल है, मैं इसको क्या करता था रेड कर देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी ये क्या बेरिश कैंडल है। अब ये बेरिश कैंडल इसने क्या करा, इसे पूरी तरीके से पेनिट्रेट करा। तो यही मैसेज आज मैंने क्या करा था एसबीआई के चार्ट पे आपको किया था। यहां पे देखेंगे कि ये क्या था, रेजिस्टेंस था, इधर देखिएगा दोस्तों ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के बाद इसने क्या करा था बेरिश कैंडल बनाई थी और शैडो ऊपर छोड़ी हुई थी। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों कि इसने वही काम करा था कि रेजिस्टेंस पे एक बेरिश कैंडल बनी थी और इसने क्या पूरी तरीके से शैडो पर छोड़ी हुई थी। तो इसका मतलब यह था कि इसने क्या करा, लोगों को बाय करा के यहां पे एक रिवर्सल का साइन दे दिया। बट सेलिंग आपको कब करनी है, जब नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करे, तो यहां से पोजीशन शॉर्ट करके आप हाई का एसएल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, बट इसके साथ साथ और भी कंफर्मेशन होती है जो आपको लेनी पड़ती है। हालांकि जब बड़ा टाइम फ्रेम होता है, मतलब एक लंबा दौर का एक रेजिस्टेंस होता है, तो वहां डाइवर्जेंस काम नहीं करते, नेगेटिव डाइवर्जेंस काम नहीं करते। बट आपको और भी चार्ट्स देखने हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट्स आपको देखने हैं, जैसे कि मान लो आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखना पड़ेगा, एक्सिस बैंक का चार्ट देखना पड़ेगा, कोटेक का चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे बैंक के साथ साथ आपको और भी एक्सिस और भी जिससे रिलेटेड जो बैंकिंग स्टॉक है उनके चार्ट आपको देख के उसमें ट्रेड बनाने पड़ेंगे, यानी कि कंफर्मेशन वहां से भी लेनी पड़ेगी कि इस स्टॉक में अगर रेजिस्टेंस का फेलियर आपको दिखाई दे रहा है तो दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में भी किस तरीके के पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में डिटेल में समझाया हुआ है। खैर इस पे आते हैं, और नेक्स्ट कैंडल जब इसका लो ब्रेक करेगी तो पोजीशन शॉर्ट बनानी है, उसके बाद एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब मैं जाता हूं डायरेक्टली क्या इसके चार्ट पे और चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा। अब हम क्या करते हैं एसबीआई के चार्ट पे जाते हैं और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या था दोस्तों कि इसने इस जगह पे
ये बेरिश कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो रही थी जब हमने आपको 465 पे बोला था, और उसके बाद इसने क्या लो बनाया 451 के आसपास का। तो क्या है कि रेजिस्टेंस का फेलियर है कि रेजिस्टेंस पे ये लोगों को बाय करा के ऑपरेटर यहाँ पे क्या है माल बेच रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी कभी आपको बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। देखिए बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस देखने को मिले तो एक बार आपको रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है दोस्तों कि मैं और भी बैंकिंग स्टॉक्स आपको दिखाना चाहूं तो आईसीआईसी बैंक का चार्ट मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। तो आईसीआईसी बैंक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक के चार्ट में भी आपको ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न दिखाई दिया होगा। वैसे 5-10 पैसे से बच गया था बट ये भी क्या है ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न है। तो डबल टॉप के बाद इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर मैं इसके अलावा एक्सिस बैंक भी देखता हूं तो एक्सिस बैंक के चार्ट में भी दोस्तों एक डबल टॉप पैटर्न दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है कि बैंकिंग स्टॉक्स जितने बैंकिंग स्टॉक है उसमें सब में डबल टॉप पैटर्न्स आपको दिखाई दिए थे। इसके साथ साथ दोस्तों और भी अगर हम स्टॉक्स की बात करें बैंकिंग स्टॉक में तो कुछ ना कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा ही आपको। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों कि इसके अलावा और भी काफी स्टॉक्स थे जो रिकमेंड करे थे। अगला स्टॉक जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है टीसीएस। अब टीसीएस हमने आपको बोला था 3939 पे कि भैया 3939 पे आप टीसीएस में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्या रीजन है उसका? वो रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि यहां पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, बट हमारी जो सेलिंग थी वो बनती थी 3890 के आसपास और आज हमें मिला 3939 पे, यानी कि हमारे जो रेट सेलिंग रेट से उससे ऊपर हमें देखने को मिला, यानी कि ये जो प्राइस था वो कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्काउंटेड था। तो जाएंगे जल्दी से इसके चार्ट पे और चार्ट पे समझेंगे। तो मैं क्या करता हूं अब आपके सामने टीसीएस का चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूं। अब आप टीसीएस का चार्ट देखेंगे तो मैं अवली चार्ट आपके सामने लगाता हूं तो इस एरिया को हल्का सा कर देता हूं जूम ताकि समझने में आपको आसानी रहे। अब हुआ क्या यहां पे देखिएगा इस जगह पे कि टीसीएस में कल के दिन मैंने आपको बोला था सेल करना अब 3900 के आसपास और आज क्या हुआ आज हमें ये थोड़ा सा ऊपर देखने को मिला, यानी कि हमने 3939 पे पोजीशन आपको शॉर्ट में बनवा दी थी। क्यों? क्योंकि सेलिंग का रेट क्या था वो 3900 का था। अब मैं आपको बोलूं भाई 3900 रुपए पे आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। रीजन क्या? क्योंकि इवनिंग स्टार पैटर्न है, नेक्स्ट बेरिश कैंडल है, जो कैंडलस्टिक के लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली सेल बनता है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं भाई ये तो रेट चल रहा है 20-30 रुपए ऊपर चल रहा है तो क्या करेंगे आप वहां पे भी सेल करेंगे। क्यों करेंगे सेल? उसका रीजन क्या? क्योंकि अब आपका जो एसएल है वो काफी नियर है, नियरेस्ट एसएल है आपका, तो यहां पे एसएल करेंगे। और एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं जी इसका एसएल है 3960 होगा, तो अगर आप 3900 पे बेचेंगे तो 60 पॉइंट का आपका एसएल है। बट आज हमने आपको जब 3939 पे बोला, 3940 के आसपास बोला, तब आपका एसएल कितना रह जाता है? सिर्फ 20 पॉइंट्स का। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो लो बना है वो कितने का बना है अगर आप देखेंगे तो लो इसका एग्जैक्टली लो देखने को मिला है दोस्तों 3805 का, तो 3800 रुपए दोस्तों। और मैंने कब सेल कराया था? 3940 पे। तो 140 पॉइंट्स आपको किसमें देखने को मिले हैं? आप टीसीएस में। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको टीसीएस में हुआ है और अगर आपने टीसीएस में ट्रेड करके पैसा बनाया है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ साथ और भी काफी स्टॉक्स है जो मैंने आपको कराया थे जैसे एमएनएम फाइनेंस का था बट उसमें कंफर्मेशन नहीं आई। हैवेल्स एक अच्छा था दोस्तों 1462 पे बोला था बट आज ये क्लोज यहीं पे ही हुआ है। और बाकी मैं क्या करता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ। भैया प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा अगर आप नहीं है तो जल्दी से बन जाइए। अगर आप ट्रेडर है और आप इस प्राइवेट टेलीग्राम का हिस्सा नहीं है तो भैया आपका ट्रेडिंग करना व्यर्थ है, बेकार है, मैं आपको खुद कहता हूं। आप इस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप आएंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे देखो पब्लिक में तो हम 3-4 मैसेजेस करते हैं, प्राइवेट पे आते हैं, प्राइवेट पे आपको दिखाते हैं। अब देखिए कितने सारे मैसेज हमने आज के दिन हमने करे थे, ये सारे मैसेजेस हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे एसीसी में वीकली डबल टॉप था, ग्लैनमार, वोल्टास, सासा मारुति, इसके साथ साथ हैवेल्स, इसके साथ साथ इंडिया होटल। और देखेंगे दोस्तों एबीबी में ये जितने भी स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, कोई स्टॉक आपसे बचेगा नहीं अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। ये लोग कहते हैं ना ऑप्शन नहीं मिल रहे जी तो कौन से स्टॉक में ट्रेड बनाए, तो भैया हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाओ, आपको डेली बेसिस पे जिस भी स्टॉक में पैटर्न मिलेगा उसकी फोटो क्लिक करके भेज दिया जाएगा। और ये प्योर एनालिसिस है, वो इंडिकेटर वाली एनालिसिस नहीं है कि इस लाइन में उस लाइन को काटा तो बाय कर लो, ये प्योर प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई के ऊपर है, बेस्ड है दोस्तों इन दोनों स्ट्रेटजीज के ऊपर। साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे भेल में और देखिए कितने सारे टारगेट भी हमें देखने को मिले, ये देखिए इतने सारे मैसेजेस हमने करे थे। और देखिए ये देखिए दोस्तों टारगेट्स की लाइन है, यहाँ पे सबके टारगेट अचीव हुए हैं, सबके टारगेट। तो दोस्तों आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि मैं अगर एक एक मैसेज यानी एक एक चार्ट आपको खोल के दिखाऊंगा तो वीडियो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाएगी।
फिर वो आप बोलेंगे जी हम तो बोर हो गए, बहुत बड़ी वीडियो मत बनाया करो, 8-10 मिनट की वीडियो बनाया करो। तो शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखे। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में आपको बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, बट आपका जो एनालिसिस है दोस्तों वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, वो इंडिकेटर बेस्ड या सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड एनालिसिस नहीं होना चाहिए। आपको कुछ और भी है जो मार्केट में सीखना है अगर आपको अपनी एक्यूरेसी 70-80% की करनी है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइएगा, लॉग इन पे जाइएगा और रजिस्टर कर लीजिए अपने आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाके। वहां पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहां से हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस दोस्तों 7999 है, 8000 रुपए की फीस है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप अगर देखें तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शंस, और आप चाहे तो टेक्निकल और ऑप्शन के कोम्बो भी ले सकते हैं, साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है। कहना चाहूंगा दोस्तों इसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है टेक्निकल में, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर सब कुछ सिखाया हुआ है। पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, उसमें भी हम दोस्तों आपको लाइफ टाइम के लिए ऐड करेंगे। साथ साथ हमारा हर संडे को दोस्तों हमारा फ्री वेबिनार होता है, उसका भी हिस्सा बनेंगे, वो वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साल में एक बार मीटअप भी करते हैं। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, मैं आपका मेंटर हूं, मेरे ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर आप कोई भी ट्रेड बना रहे हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई ये मैं ट्रेड बना रहा हूं, क्या मेरा ट्रेड सही है या गलत है, हो सकता है लाइव मार्केट में मैं थोड़ा सा आंसर आपको ना कर पाऊं, बट आप दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने जो ट्रेड्स हैं या फिर अपने जो चार्ट्स हैं वो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, पर्सनली मैं ही आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों ये फैसिलिटी लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, और चाहे तो आप हमारा ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं, चाहे तो आप टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी 70-80% करना चाहे, और अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेज करिए। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो लोग कोर्स ना कर परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको भी संडे का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, सिर्फ संडे का वेबिनार पाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइफ टाइम के लिए संडे का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।